हे गाइस, क्या हाल चला है? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों ने बहुत पसंद सुना होगा, आईफोन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा टाइट है, आपका आईफोन चोरी नहीं हो सकता। तो आओ देखते हैं इस वीडियो में क्या सही में ये सब सच है, आपका आईफोन चोरी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप लोगों ने ये सेटिंग नहीं करके रखा तो आपका आईफोन होने का कोई फायदा नहीं है, कोई सिक्योर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सेटिंग जरूर से करना होगा। तो क्या सेटिंग होगा वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, तो आओ शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद फाइंड माई आईफोन में जाना है, तो दिख जाएगा। फिर आपको फाइंड माई आईफोन को जाकर ये तीनों को ऑन करके रखना है। अगर आपका कोई भी एक ऑफ हुआ ना तो अच्छे से ट्रैक नहीं हो पाएगा। अगर बाई चांस आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो ट्रैक नहीं हो पाएगा, तो आपको ये तीनों ऑप्शन को ऑन करके रखना है, जिससे आपका आईफोन अगर चोरी भी हो जाए ना फिर भी आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हो। फिर आपको जाना है और एक सेटिंग करना है, ये तीनों को ऑन कर देना है। प्राइवेसी में जाने के बाद लोकेशन सर्विस को ऑन करके रखना है, जिससे लोकेशन मतलब टर्न ऑन रहेगा तो पता चलेगा कि फ़ोन कहाँ पर है। तो ये दोनों सेटिंग को ऑन करके रख लेना है, जिससे क्या होगा, आप फाइंड माई एप्लीकेशन अगर आप लोग खोलोगे तो जैसे देख सकते हो लोकेशन दिख रहा है। तो आप जैसे मतलब अपने पीसी वगैरह से खोलोगे तो उधर भी आपको आपका लोकेशन दिख जाएगा डिवाइस का। तो आप लोग सोचो कि अगर मतलब, तो ये सब ऑन करने के बाद और एक लास्ट सेटिंग करना है, फेस आईडी एंड पासवर्ड में जाना है, अपना पासवर्ड डाल लेना है। डालने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जब ये आएगा ना एलो एक्सेस वन लॉक, इसमें आपको ये दो सेटिंग को ऑफ करना है, जैसे यूएसबी एक्सेसरीज को ऑफ करके रखना है और कंट्रोल सेंटर को ऑफ करके रखना है। इससे क्या होगा, जब आपका फ़ोन चोरी होगा ना तो फ़ोन में लॉक लगा होगा तो जो चोर होगा ना वो ऊपर से नोटिफिकेशन को ऑन करके एयरप्लेन मोड में डाल सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखोगे तो जब लॉक होगा फ़ोन तो वो लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा कंट्रोल सेंटर को, तो वो लोग एयरप्लेन मोड में नहीं डाल पाएगा। फिर आप बोलोगे कि वो लोग सीधा स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ, स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, मतलब आप लोग तो सिंपली आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करोगे ही। और आपका जब फ़ोन मतलब स्विच ऑफ कर देगा वो चोर और कभी बेचेगा या कभी यूज़ करने के लिए वो स्विच ऑन तो एक बार करेगा ही, जब भी करेगा तो आपका फ़ोन इजीली ट्रैक हो जाएगा। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन में FIR करवाते हो तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा आपके फ़ोन के बारे में, लोकेशन पता चल जाएगा। तो ये दो ऑफ करके रखना, जब भी आपका फ़ोन लॉक होगा तो आपको कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो याद से आपको ये दोनों को ऑफ करके रखना है। और यूएसबी एक्सेसरीज मतलब फ़ोन लॉक है और आपका डाटा चोरी ना हो पाए, मतलब कंप्यूटर या मैकबुक के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका डाटा वगैरह चोरी ना हो पाए, इसलिए दोनों को ऑफ करके जरूर रखना, ये बहुत काम का है। तो अगर आप लोग ये सेटिंग कर लेते हो तो आपका फ़ोन एकदम कम्प्लीटली सिक्योर हो जाता है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका फ़ोन एकदम कम्प्लीटली सिक्योर हो गया। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कुछ और मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे।